आज के हमारे इस क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीए प्रोग्रामिंग और हम स्टार्ट करेंगे लूप से। हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कंडीशंस, इफ कंडीशंस। आज हम इफ कंडीशन से आगे बढ़ेंगे और लूप करेंगे। हालांकि लूप से रिलेटेड कई एग्जांपल हमने आपको दे दिए थे, फिर भी हम लूप से रिलेटेड कुछ और चीजों पर डिस्कस करेंगे और एक दो प्रोजेक्ट भी आपके साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं लूप की जरूरत क्या है और लूप कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। एक छोटा सा स्टिकर आपके साथ मैं बना रहा हूं, आप यहां देखिएगा ध्यान से। अब मान लीजिए कि मुझे इसको 10 बार कॉपी पेस्ट करना है, इसको इसके लूप इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं कॉपी करना होगा, मैंने बोला रेंज A1 से लेके C7 डॉट हमने किया कॉपी, और मुझे इसी के नीचे एक लाइन छोड़ के यहां 9 पे पेस्ट करना है। तो यहां लिखेंगे रेंज A65,000 डॉट एंड एक्स लेस अप डॉट ऑफसेट, यहां करेंगे 2,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। अब मैं इसको यहां से रन करता हूं, रन करते देखिए यहां पे आ गया, बट मुझे इसको 5 बार करना है या 3 बार करना है, तो उस लाइन को 3 बार या 5 बार मैं यहां पे हमें करना पड़ेगा कॉपी पेस्ट। और हमने कॉपी सिर्फ इसी लाइन को क्यों किया, इसको क्यों नहीं किया? देखिए लूप में सबसे बड़ी बात होती है पहचानना कि आपको आखिर किस लाइन को रिपीट करना है। तो मुझे जो रिपीट करना है ये तीनों लाइन को रिपीट करना है, राइट? इस लाइन को 3 बार रिपीट करना है, तो इस 3 में कर दिया। लेकिन इस तरह से 3 बार लिखना सही नहीं है, तो इसको लूप के अंदर डालेंगे। हम लिखेंगे फोर आई इक्वल टू चले 1, 2, 3, और फिर यहां पे नेक्स्ट आई करेंगे। अब मैं इसको रन करूंगा तो 3 बार या जो भी यहां डालेंगे उतना बार कॉपी पेस्ट कर रहे। अब इसमें आई का क्या रोल है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। जैसे मैंने यहां पे सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट में यहां पे हमने एक मैसेज लगाया MSG box, और यहां पे मैंने लिख दिया हाय। अब मुझे इस हाय को 3 बार शो करना है या 5 बार शो करना है, तो हमने लूप लगाया कि फोर आई इक्वल टू चले 1, 2, 3 और नेक्स्ट आई कर दिया। अब जब मैं इसको रन करता हूं तो ये मैं हाई को 3 बार शो करेगा, 1, 2 और 3। लेकिन इसके साथ अगर हम आई को कंबाइन करते हैं, कॉन्केट करते हैं, तो क्या होगा? जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे हाई 1, हाई 2, हाई 3। तो आपके फैमिली में जितना बार रन होता है, सीक्वेंस होता है, उतना बार ए आई अपने ऊपर स्टोर करता है नंबर को। तो सेम इसी तरह से मैं यहां पे 1 से लेके 100 तक की गिनती देना चाहता हूं, तो फोर आई इक्वल टू चले 1, 2, 100 और यहां पे हमने कर दिया नेक्स्ट आई। अब मैं इसमें मैं करता हूं सेल्स, सेल्स में i,1 डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। तो हर बार क्या होगा, i1 होगा तो 1 में A1 में डालेगा, फिर i2 होगा तो A2 में 3, 4, 5, इस तरह से अपनी सीक्वेंस को बढ़ाता रहेगा। ओके, देखा। लेकिन मुझे इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में डालना है, मतलब मुझे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 4, 5, फिर यहाँ पे हमें 6, 7, 8, 9, 10,
फिर यहाँ पे हमें 11, 12, 13, 14 इस तरह से करना है, मतलब 100 करना है, 5 रो एंड 20 कॉलम्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे RR_3 ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे देंगे कि 4 i = चले 1 to 20। हमने आई को रो मान लिया और जे को कॉलन, तो यहां पे हम करेंगे 4j = 1 to 5 और यहां पे नेक्स्ट जे, और यहां सेल्स के अंदर i, 0 and colon dot value = अब यहां पे हम आई नहीं कर सकते क्योंकि आई तो भाई एक 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 को 5 बार फिर इस तरह से हो जाएगा, तो यहां पे आर देते हैं और ऊपर हम आर डिफाइन करते हैं, फिर डिम आर एज ए रेंज, नहीं रेंज नहीं, लॉन्ग लॉन्ग, और फिर यहां पे r = r+1 और फिर यहां पे आर दे दिया। तो यहां रन करेंगे तो देखिए 1 से लेके 100 तक का 5 मैट्रिक्स में मेरे पास सीक्वेंस आ रहा है। हाँ ओके, अब यहां पे सब्जेक्ट RR/3 करते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें से क्या करना है कि जो ग्रेटर देन 50 है ना वो मुझे एज कॉलम में चाहिए। अब नंबर मिक्सअप भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने एक साथ दे दिया लेकिन मान लीजिए कि नंबर रैन बिटवीन लगा हुआ है और ये मिक्सअप हो, और मुझे इसमें से सारा लेके हमें क्या करना है, शो करना है। नहीं है ना, फिर ओके फिर यहां पे लिखते हैं कि 4i = चले 1 to 5 1 to 20 नेक्स्ट आई, फिर यहां पे लिखते हैं 4j = चले 1 to 7 वैसे 5 और यहां पे नेक्स्ट जे। अब यहां पे हम करते हैं इफ सेल्स i, j.value is greater than 50 देन रेंज a 65,000 डॉट एन एक्सेलेस ऑफ डॉट वैल्यू, नहीं डॉट ऑफसेट देना होगा ना, हाँ ऑफसेट 1,0 dot value = हमने कर दिया यहाँ पे सेल्स, सेल्स में i, j और फिर यहाँ पे हम एंड इफ कर देते। ओ सॉरी, कॉलन ए में ही चल गया जिसको मुझे चलाना था एच में, तो एच के अंदर लेके जा रहा है, आ गया। तो इस तरह से लूप का इस्तेमाल हम करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि लूप में और क्या क्या कर सकते हैं, तो चलिए एक दो एग्जांपल आपके साथ हम करते हैं, ठीक है। तो यहां पे नेम, और मान लीजिए कि मंथ वाइज हमारा सेल है, नेम और क्या है, मंथ वाइज सेल, और इससे ये जो है कई सारे शीट्स में, अब सारे शीट्स का डेटा हमें एक शीट के अंदर कुलेट करना,
अच्छा अब इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहां पेस्ट कर दिया, यहां पेस्ट कर दिया, यहां पेस्ट। इस तरह से मान लीजिए 5-6 हमने बनाया, और यहां पे कंट्रोल ए, यहां पे इसको कॉपी करके हम वैल्यू पेस्ट कर देते हैं ताकि इसकी फॉर्मूला गायब हो। अब मुझे सारे का डेटा मुझे एक शीट में, यहां डेटा शीट में यहां पे डालना है, ठीक है? तो क्या कोड होगा इसके लिए? तो इसके लिए हम यहां पे करेंगे सब्जेक्ट कॉपी ए के नाम से ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां पे लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 शीट्स डॉट काउंट, और यहां करेंगे नेक्स्ट आई। फिर यहां पे कंडीशन होगा कि इफ शीट्स, शीट्स में हमने आई लिया, इसकी जो डॉट नेम है इक्वल टू नॉट इक्वल टू डेटा होना चाहिए। अगर डेटा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डेटा पे तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है ना हमें दैट। और फिर यहां पे एंड एंड इस करते हैं। अब इसमें कोड होगा कि हम यहां पे शीट्स आई के अंदर एक्टिवेट होंगे सिलेक्ट, फिर रेंज A1 डॉट करेंट A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, फिर शीट्स डेटा डॉट सिलेक्ट, डेटा शीट पे वापस आएंगे, फिर रेंज A65000 डॉट एन एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट, यहां पे 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल, ठीक है? अब इस कोड को हम रन करेंगे अपने बुक से। अब देख कोडिंग में कहीं और किया हो, रन कहीं और कर रहा हूं, ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पे मेरा कॉपी ए के नाम से माइक्रो रन है, इसको रखता है। देख अब इसमें इसने हेडिंग को भी कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि हेडिंग को गायब करने का कुछ ऐसा हमने कोड लिखा नहीं था, तो हेडिंग को हम ऊपर कर देते हैं और इस हेडिंग को यहां से गायब करते हैं। तो जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारा हेडिंग ही एक्टिवेट होता है, तो यहां पे लिख देते हैं एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। अब ऐसा करने से क्या होगा कि पूरी की पूरी जो रो है आपका वो डिलीट हो जाए। अब देखिए क्लियर है, एक कोड समझ में आया आप लोगों को, कोई बट दिक्कत? सर उसको कैसे पता चलेगा हेडिंग ही डिलीट करना है? देखिए जैसे हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं ना, तो आपका जो सबसे पहला रो होता है वही सिलेक्ट होता है। हमने यहाँ पहला रो डिलीट कर दिया, समझे कि नहीं? अब और दूसरा देखिए इसमें यहाँ कॉपी किया, कॉपी करके नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ कर्सर रख के पेस्ट करेगा, तो एक्टिव सेल कौन है? A34, क्योंकि हेडिंग है, तो A34 को रीड कर देगा। बराबर। और दूसरा और क्वेश्चन दूसरा सर, वो क्वेश्चन आई, एक आई सेकंड ना, कोडिंग पे जाओ ना। आई इज आई इक्वल टू इज 1 2 टू वन शीट टू डॉट शीट काउंट डॉट माइनस वन रहेगा ना, माइनस क्योंकि एट वन काउंट, एक काउंट डेटा नहीं, शीट का भी माइनस रहेगा वन, उसमें। माइनस वन अगर आता तो हमें इफ कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर वो बाउंडेशन होता है कि आपको डेटा शीट को सबसे लास्ट में ही रखना है, बट यहाँ हमने कंडीशन लगा दिया कि भाई जिस शीट का डेटा हम कॉपी करने जा रहे हैं वो नॉट इक्वल टू डेटा, उसका नाम नॉट इक्वल टू डेटा होना चाहिए। ओके। नहीं बट नहीं हम बट जब हम ऊपर जब बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना फॉर फॉर आई इज इक्वल आई टू इज वन इक्वल टू टू सीट वन टू काउंट, शीट काउंट, तो उसमें वो उसमें डेटा वो को भी डेटा काउंट को भी लेगा ना काउंट शीट के लेगा काउंट शीट, में। हाँ काउंट लेगा, तो डेटा हमने हटा दिया है ना, नहीं देख रहे कंडीशन लगा दी। बराबर। ठीक है ओके ओके okay. क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर प्लीज आगे बढ़े।
यस 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 अब इसी अगर एक चलिए एक और प्रोजेक्ट को हम देखते हैं। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक डेटा, लेकिन डेटा जो है वो डेट वाइज आ गया है कुछ इस तरह से, 1 जनवरी से लेके मान लीजिए कि अप्रैल तक का डेटा या जून तक का डेटा आ गया। तो अब इसको पिवट वगैरह लगाने में प्रॉब्लम हो रही, समझे? क्योंकि तो कॉलम वाइज है ना, तो हमें मंथली डेटा या क्वार्टरली डेटा लगाने में हो रही है प्रॉब्लम। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो हमें डेटा कैसे चाहिए, कैसा मुझे डेटा चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए नेम, यहाँ पे होना चाहिए हमारा डेट, और यहाँ पे होना चाहिए सेल्स। तो मैनुअली करने जाऊं तो पहले मुझे इसको नेम को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना होगा, फिर मैं डेट को यहां से कॉपी करूंगा और पूरे में पेस्ट करूंगा, फिर यहां से इसको कॉपी करूंगा और यहां पे पेस्ट करूंगा, ठीक है? क्लियर है? यस 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 सर। तो इसको लिए क्या करेंगे? चलो यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट, और इसको देखिए, हालांकि इसको आप कर सकते हैं नया एक्सेल आपके पास, तो एक नया एक्सेल में एक होता है अनपिवट ऑप्शंस होता है पावर क्वेरी, उसे कर सकते हैं, लेकिन पुराने एक्सेल में नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे लूप लगाया कि 4i इक्वल टू चले 2 2 रेंज XFD1 डॉट एंड XL2 लैब डॉट कॉलर नेक्स्ट आए। अब ये एरिया हो सकता है आपका फिक्स ना हो, तो आपके पास डायनेमिक रेंज रेंज के बारे में तो पढ़ाई रखा है, तो आप इसको फिक्स कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे जो है फिक्स दे देता हूँ, ठीक है ना? रेंज A2 से A12 डॉट कॉपी रेंज A65,000। अब यहां पे एक काम और करते हैं, यहां पे हम डिम आर एज ए रेंज, रेंज नहीं आर एज ए लॉन्ग, सॉरी आर इक्वल टू रेंज A65,000 डॉट एंड एक्सेल इज अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट रो। और फिर रेंज ए के जगह ए के साथ हमने एंड किया आर को, और यहां पे किया पेस्ट स्पेशल, ठीक है? मतलब कि इसने इसको उठाया, इसको उठाया और यहां पे इस कर दिया, ठीक है? फिर यहां पे सी इक्वल टू अगेन रेंज ए के साथ ए सॉरी ए 65,000 और एन एक्सेलेस आप डॉट रो। अब यहां पे क्या करते हैं, हम यहां लेते हैं सेल्स, सेल्स में कॉलम जो हमारा है, नहीं सेल्स में रेंज देना होगा, तो रेंज रेंज का स्टार्टिंग है सेल्स, सेल्स में नहीं सेल्स नहीं होगा, रेंज ही देना होगा, कॉलम बी में है ना हमारा, हाँ बी बी के साथ आर कंबाइन होगा स्टार्टिंग, और कॉमा अगेन बी के साथ हमारा कंबाइन होगा सी, और यहां पे हम लिखते हैं डॉट वैल्यू इक्वल टू सेल्स, सेल्स में रो नंबर 1 कॉलम आई डॉट वैल्यू।
यहाँ यहाँ पे देते हैं सेल्स, सेल्स यहाँ पे रेंज देना होगा, रेंज रेंज के अंदर देते हैं सेल्स, सेल्स में हमारा हो जाता है 2 नंबर रो आई नंबर कॉलन स्टार्ट होता है, फिर सेल्स ये हमारा कितना 12 नंबर रो है, तो 12 नंबर रो एंड आई नंबर कॉलन, और इसको हम करेंगे कॉपी, पेस्ट करना है सी में, तो रेंज सी के साथ हम आर को कंबाइन करेंगे, डॉट पेस्ट स्पेशल। अब चलिए इसको 1 बाय 1 करके आपको समझाते हैं कैसे वर्क कर रहा है, तो एफर्ट करते हैं स्टेप इन्फो के लिए, एफर्ट किया I1 2 है इसलिए कॉपी किया, अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है तो इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि ये पहले से यहाँ पे नाम है तो गड़बड़ हो जाएगी सीक्वेंस, तो यहाँ पे एफर्ट एफर्ट किया, हमने इसको कॉपी किया, हमने यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे हमने सी के ऊपर क्या लिया 727 मतलब इसका रो, तो यहाँ देखिए कि B17 से लेके आपका B27 यहाँ का रेंज आया, इसमें आई सेल 1 रो नंबर 1 और I2 मतलब कि दूसरा नंबर कॉलम 1 जैन, तो पूरा 1 यहाँ पे देखेंगे आप पूरा 1 जैन को इसने डाल दिया, फिर सेम C2 सेल्स में 2 नंबर रो एंड 2 कॉलम से 12 नंबर रो एंड 2 कॉलम के डेटा को किया कॉपी, और फिर इसने सी और आर को, आर क्या है 17 है, 17 पे आके कर दिया पेस्ट, अब इसी प्रोसीजर को फिर अगले कॉलम पे दोहराएगा जो कि अगले बार आई हो गया हमारा 3, बट नेम तो कॉपी करना ही है तो इसने एक बार नेम को कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर उसी प्रोसीजर को दोहराया इसी, ठीक है सर, इसको रन करते हैं तो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर, तो कोड समझ में आया सबको ये, हेलो हाँ जी सर, जी सर मतलब आया तो है आया बट तो है करूंगा बट तो करूंगा तो समझेगा वैसे समझेगा वाला इस हिसाब वाले है। से, सर करना तो आप ही को है ना सर, वो तो हम नहीं कर सकते क्या, यस अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है यहाँ पे मंथ, हाँ मंथ पर मंथ और प्रोडक्ट 1 चलिए, एक और एग्जांपल तैयार करते हैं, अब इसमें क्या है कि मुझे यहां पे एक यहां पे हर 3 रो के मतलब कि यहां से हर 3 के बाद जैन फेब मार्च, इसमें मुझे क्वार्टर 1 क्वार्टर यहाँ पे क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4, फिर क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 करना है, और यहाँ पे बाकी सम में सम का फॉर्मूला लगाना, समझे, इसको मैं सॉर्टिंग से आसानी से कर लेता हूं लेकिन मैं सॉर्टिंग से नहीं इससे करना चाहता हूं, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम लूप नहीं लगाना चाहते, फॉर लूप, तो क्या करें,
हम डू वाइल लूप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहां पे लेते हैं डिम आर एज ए लॉग, और यहाँ पे आर इक्वल टू, मुझे शुरू करना है कहां से, टू से, तो आर इक्वल टू टू कर दिया, ठीक है। और फिर यहां पे लिखते हैं डू वाइल सेल्स, सेल्स में हम लिखते हैं आर कॉमा वन इज नॉट इक्वल टू जीरो देन लो। अब इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब यहां दो हो गया, टू से स्टार्ट हुआ, टू थ्री फोर फाइव, नहीं यहाँ पे टू नहीं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं वन ही करते हैं और जोड़ देंगे हम, थ्री का मल्टीप्लेक्स जब होगा ये तीन का मल्टीप्लेक्स, यहाँ देंगे इफ मोड यहाँ पे इक्वल टू मोड इक्वल मोड मोड नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे हम करेंगे आर मोड थ्री इक्वल टू जीरो देन यहाँ पे रेंज, रेंज में हम ए ए के साथ एंड करेंगे आर प्लस वन, क्योंकि आर वन से स्टार्ट है ना, इसलिए डॉट एंटायर रो इक्वल टू एंटायर रो डॉट इंसर्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे रेंज ए के साथ मान के आर प्लस आई डॉट वैल्यू इक्वल टू क्यू, और क्यू के साथ यहां पे हम एक और क्यू लेते हैं, ऐसा इसलिए यहां पे क्यू इक्वल टू वन, ठीक है। और फिर यहाँ आर इक्वल टू आर प्लस वन एंड क्यू इक्वल टू क्यू प्लस वन, लेकिन इसमें एक काम और करना है कि इफ क्यू यूज क्यू इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू फोर देन क्यू इक्वल टू अगेन वन। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, एफर्ट करके देखते हैं, चारा नाम का माइक्रो वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, कंट्रोल वन वन नहीं यहाँ पे सिक्स, एफर्ट करते हैं लूप विदाउट टू। अच्छा हाँ यहाँ पे एंड इफ नहीं किया ना मैंने, नहीं हाँ यहाँ पे एंड इफ नहीं किया ना, आ रही है क्या आगे आ, नहीं, यहाँ आर इक्वल टू आर प्लस वन जो है इफ से बाहर होगा, अब फिर से करते हैं, सर तीसरा तीसरा में आ गया, यहाँ पे मोड जीरो हो गया, इसने आर को किया इंसर्ट, एक रो इंसर्ट हो गया ना, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, हमें यहाँ पे करना चाहिए था आर प्लस वन नहीं, यहाँ पे आर प्लस आई कर दिया मैंने, आई नहीं वन नहीं टू होगा यहाँ पे,
दोबारा से करते हैं, ठीक है सर? ये पहली बार कर रहा हूँ, इसको मैं आसानी से कर देता था इससे, एसक्यूएल से, सॉरी सॉर्टिंग से। दिमाग में थोड़ा सा ओके नहीं है, लूप गया वहां पर, फिर यहाँ पे नहीं हो गया। अब तीसरा में ए आर इक्वल टू 3 हो गया, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। एक रो इंसर्ट किया, फिर यहाँ पे रो इंसर्ट करने के बाद फिर हाँ अप्रैल, नहीं ये गड़बड़ हो रही है। जन फेब मार्च, कुछ गलत हो रहा है सर। अच्छा देखते हैं, एफर्ट किया, एफर्ट किया, ए आ गया, ओके तो ए नहीं हुआ, वापस चला गया, सही है। फिर यहाँ आया, यहाँ नहीं गया, हट गया। अब यहाँ पे आर, इस बार आर जो है वो है 3, क्या है आर हमारा 3 है, तो ए हमारा मोड हो गया। अब यहाँ यहाँ पे आर इक्वल टू 3 किया तो रिजल्ट आ गया। अब ए के साथ आर 3 है, आर क्या है 3, 3 प्लस 4 मतलब A4 में इंटायर रो इंसर्ट हुआ। A5 में होना चाहिए। ओके मतलब A होना चाहिए F5 में, यहाँ A5 से ऊपर होना चाहिए ना, यहाँ ऊपर में आते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, A5 अब सही है। अब यहाँ A3 F4, अब यहाँ भी 2 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि A5 में मुझे चाहिए क्वाड्रो 1, ठीक है? अब यहाँ पे Q इक्वल टू, अब यहाँ पे Q इक्वल टू 1 नहीं, Q+1+1, Q+1 करना है। Q में एक ऐड हो गया, ने आगे बढ़ा, ओके। अब इस बार चेक किया है नहीं है, नहीं, चलो ठीक है। आर पे +1 किया और यहाँ पे नेक्स्ट, अब आर इक्वल टू 6 हो गया, यहाँ पे 5 है, 5 पे वर्क नहीं किया। अब आगे करते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, आर 6 है, मोड है 6 है, तो 6+8, 8 से करना होगा। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई, अप्रैल में जून के बाद करना था हमें, सिक्स प्लस 2 8, सेप्ट, सेप्ट में हम दे देते हैं डाउन, एट डाउन, अच्छा एक काम और करते हैं इसमें फंस गए।
इसका कुछ और सोचना होगा सर, क्योंकि जब सीट रो जब इंसर्ट होता है ना, जैसे एक रो इंसर्ट हुआ तो बढ़ जाता है नंबर, समझ रहे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? जब एक रो इंसर्ट, उसको भी हाँ एक रो इंसर्ट होता है तो एक बढ़ जा रहा है, इससे काउंटिंग में हो जा रही है प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक हालांकि इसको हम जनरली यहाँ पे, यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड करते हैं और यहाँ पे हर तीन के बाद करना है, तो हर तीन नंबर को यहाँ पे मैन्युअली लिखते हैं, फिर इसके ऊपर प्लस वन करके नीचे की तरफ कर देते हैं ड्राइव। और फिर यहाँ नीचे 80 तक नंबर है ना, 1 2 इस तरह से लेते हैं, 80 तक का नंबर हम ड्रैग करते हैं। और यहाँ पे क्वार्टर वन क्वार्टर टू देना है, तो यहाँ पे क्वार्टर वन और क्वार्टर टू हम यहाँ पे लिख के इसे ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 के बाद आना चाहिए ना, 2 3 4 4 तक आता है। हाँ अब सही है, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और हम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग कर देते हैं सॉर्ट, कस्टम जो थोड़ा आसानी से हो जाता है। हो गया सर, और कंट्रोल जी करते हैं, स्पेशल ब्लैंक को सिलेक्ट करते हैं और इस पे हम कर देते हैं इक्वल सम, सम इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल एंटर, तो ये हो जाता है। ठीक है सर, बट इसको वीवीए से करने में थोड़ी सी हो रही है प्रॉब्लम, तो इसके लिए मुझे कुछ सोचना होगा और अभी हम सोचने की स्थिति में नहीं है, तो इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं अगर आप लोगों को एतराज नहीं हो तो। ओके सर। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मुझे हर तीसरे को कॉपी करना है, क्या करना है, हर तीसरे को कॉपी करना। तो इसमें हम सीखते हैं स्टेप, जैसे कि मैंने अगर लिखा कि 4i = चले 1 2 10 और फिर यहां पे कर देता हूं नेक्स्ट आई, ठीक है, और यहां पे आर इक्वल टू 1 कर देते हैं और यहां पे सेल्स, सेल्स में आर कॉमा 1 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू आई, और फिर आर इक्वल टू आर प्लस 1 इंक्रीज कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप यहां पे तो देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक नंबर आ गया, आ गया ना सर। लेकिन इसी में अगर हम कर देते हैं स्टेप टू, क्या कर देते हैं, सॉरी स्टेप 2, तो क्या होगा कि फिर वो 1 से 10 तक तो आएगा, लेकिन 1 3 5 8 7 9 इस तरह चलेगा, पता है जो स्टेप देंगे ना उतनी सीक्वेंस को एक क्या कर देगा, गैप कर देगा, इतने सीक्वेंस क्या कर देगा, गैप कर देगा। थ्री ठीक है, प्लस और माइनस में करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस करते हैं तब क्या करना होगा, यहाँ पे 10 to 1 कर देना है। माइनस ठीक है, और यहाँ पे हमने कर देते हैं -1, माइनस तो ये देख गया। तो इसी का हम यूज यहां करें,
मान लीजिए मुझे यहीं पे चाहिए साइड में जी कॉलम, मैं कहीं ऑर्डर ले जाना चाहता हूं, तो यहां पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट आर आर ब्रैकेट अंडरस्कोर 10 इस तरह से, फोर आई इक्वल टू, चले टू से स्टार्ट करना है, टू टू कितना चले, तो अभी फिलहाल मैं मेनू ले लेता हूं कि मुझे चलना है 2321 तक, कितना करना है 321, 3 2 1 और फिर नेक्स्ट आई, और तीन तीन का स्टेप लेना है, क्या लेना है तीन तीन का स्टेप, तो स्टेप थ्री थ्री ठीक है, और यहां रेंज रेंज में ए के साथ कंबाइन होगा आई कॉमा अगेन ये नहीं है हमारा ई, ई के साथ कंबाइन होगा आर डॉट कॉपी और फिर रेंज ए 65,000 ए नहीं है जी जी 65,000 डॉट एंड एक्स एल एक्स आप डॉट ऑफसेट 1,0 वन डॉट पेस्ट स्पेशल जीरो ठीक है। अब इसको मैं एक बार रन नहीं करता हूं, एक बार चेक करना चाहता हूं कि क्या क्या चीज उठा रहा है, तो ए हमारा आई हो गया टू, अब यहां पे टू को कॉपी कर रहा है, यहां पे दिख रहा है आपको जो टू को पेस्ट कर दिए, तो हमें टू से स्टार्ट नहीं करनी है, हमें स्टार्ट करना है कहां से, फाइव से, किससे करना है फाइव से ठीक है सर, क्योंकि तो पहला तो चलेगा ना सर, तो जहां से मैं कॉपी लेना है ना उसी से स्टार्ट करते हैं, अब करते हैं यहां पे एफ, अब ए फाइव को कॉपी किया यहां पेस्ट किया, अब पेस्ट स्पेशल में पेस्ट है जो वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या सेलेक्ट कर लेते हैं वैल्यू, ताकि फॉर्मूला पेस्ट ना करें, अब इसको पेस्ट करवाते हैं ठीक है, अब वापस, अब इस बार आई क्या है, आई 8 है, और नहीं 8 में तो जून आ रहा है, मतलब मुझे 4 का स्टेप लेना पड़ेगा, समझे सर, क्योंकि मुझे हर चौथा चाहिए ना, मैंने गलत किया, हर 3 के बाद नहीं हर चौथा चाहिए, आई थिंक अब वर्क करेगा ऐसे, Q1, Q2, Q3, सारे क्वार्टरली पेस्ट हो रहा है, तो सर स्टेप का स्टेप समझ में फोर आया, कर फोर दिया कर क्या वहां दिए पे? क्या ओके वहां पे, हाँ स्टेप फोर कर ठीक ओके सर, है, सारा नंबर आ गया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि लूप के कितने पार्ट, तो बेसिकली लूप जो है दो पार्ट में आता है फोर और दूसरा आता है डू, फोर के दो भी पार्ट है आई 1 2 लिखते हैं आई के तो कुछ भी लिख दे आई आई को नहीं कैसे आई लिखते हैं 1 2 स्टार्ट टू एंड, और एक आता है इच दूसरा आता है वाइल और अंटिल, अब चलिए इन सबको समझते हैं, तो इच के बारे में जानते हैं, जैसे लूप जो हुआ वो क्या करता है कि एक एरिया पे वर्क करता है, मैं जो भी आप स्टार्ट एंड करते हैं उस पे वर्क करता है राइट सर, अब मुझे क्या करना है कि मैं जितना एरिया सिलेक्ट करता हूं आपका उतने में वर्क होना चाहिए ठीक है, जितना एरिया सिलेक्ट करो, जैसे एग्जाम्पल मुझे इसमें जो नाम लिखे हैं ना इसको मुझे करना है अपर लेटर में, लेकिन मुझे सारे नाम को नहीं करना है, जिस एरिया को सिलेक्ट करो उस एरिया को करना है, तो इसके लिए यहां पे देते हैं सब आर आर अंडरस्कोर 11 ब्रैकेट ओपन क्लोज और सम हो गया सब करने चलो, अब यहां पे सबसे पहले लेते हैं डिम आर एज रेंज और देते हैं कि फोर इच आर
इन सिलेक्शन, या सिलेक्शन की जगह पे आप अपना एक रेंज भी दे सकते हैं। अब जो हुआ कि एक चीज में जो करेंगे वो आर पे भी होगा, तो यहां पे लिखते हैं आर डॉट वैल्यू इक्वल टू यू केस आर डॉट वैल्यू, ठीक है। अब जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया और उस पे मैं अपना आर आर 11 माइक्रो रन कर दूं, तो सिलेक्टेड एरिया को अपर केस में, तो अपर केस करने वाला कोड जो चला वो सिर्फ सिलेक्टेड एरिया पे चला, पूरे पे नहीं चला। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे इसमें से मैट्रिक्स लगाया था, तो और जो ग्रेटर देन 50 था उसको मैंने कहीं और करवाया था। सेम काम यहाँ करना है कि मुझे ग्रेटर देन 50 वाले को एम कॉलम पे करना है, लेकिन मैं जितना एरिया सिलेक्ट करूँ ना उतना वे वर्क हो, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं फोर, यहां पे सब्जेक्ट देते हैं कि सब्जेक्ट आर आर स्कोर टू ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां पे देते हैं कि फोर, तो यहां पे रेंज देना होगा कि डिम आर एज ए रेंज, और यहां पे हमने लिखा फोर एच आर इन सिलेक्शन, ठीक है। और कंडीशन है कि एफ आर डॉट वैल्यू, अब जो भी काम आर पे मैं रेंज पे करेंगे उसको आर मान लेंगे कि इफ आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन रेंज एच एच नहीं एम देते हैं एम 65,000 डॉट एंड एक्स लेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आर डॉट वैल्यू, और यहां पे एंड, और यहां पे नेक्स्ट आर, नेक्स्ट आर, और यहां पे हम रन करेंगे तो देखिए आ गया, ठीक है। उस तरह से जितने भी शीट्स है ना सब शीट्स का नाम मुझे D1 D2 D3 D4 इस तरह से करना है, तो हम शीट्स के ऊपर ही वर्क करते हैं। तो यहां पे देते हैं सब्जेक्ट आर आर अंडरस्कोर 13 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां लगाएंगे फॉर्मूला कि डिम डब्ल्यू एज ए वर्कशीट, यहां पे वर्कशीट्स करेंगे वर्कशीट, और फोर इच डब्ल्यू इन एक्टिव वर्क बुक डॉट वर्क, यहां पे वर्कशीट्स लेंगे नॉट अ सीट, शीट्स, नेक्स्ट डब्ल्यू, और यहां पे सिंपल डब्ल्यू डॉट नेम इक्वल टू डी, इसके साथ हमने आर ले लिया, आर इक्वल टू आर प्लस वन, क्योंकि एक नाम के सेम सीट नहीं होंगे। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि जितने भी शीट्स से सबके नाम डब्ल्यू D1 D2 D3 D7 तक पहुंच गए। तो फोर इच इस तरह से करते हैं, तो फोर इच समझ में आ गया विदाउट फोर इच में। हेलो सर, फोर इच में विदाउट नो नहीं है सर, डाउट है सर इसमें। बोलिए चलाओ। क्या इस बताइए ये सर, जो इसमें एक्टिव वर्कबुक डॉट वर्कशीट इसमें ये क्यों दिया हमने? ऊपर तो हमने देखिए सेव समझिए किया था वर्कशीट में। समझिए 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 इसी समझिए, हमने यहाँ पे लिया कि फोर आर एज ए रेंज, फोर इच आर इन, मतलब कहाँ पे आर जो है हमने रेंज मान लिया, लेकिन आर कहाँ पे है तो पता नहीं है ना सर, हमने कोई एक एरिया को एक चीज डिफाइन तो नहीं किया ना। नहीं सर, थर्टीन वाले में बोल रहा हूँ, हाँ 13 वाले में। मैं बता रहा हूँ ना इस तरह से, सेम चीज यहाँ पे समझा रहा हूं।
यहां में हमने बोला कि डब्ल्यू एज ए वर्कशीट हमने किया, तो यहां पे लिखा कि फॉर ईच डब्ल्यू इन एक्टिव वर्क बुक, मतलब जो एक्टिव फाइल है उसके जितने भी शीट्स है सारे शीट्स में, ओके ठीक है। समझे? जी सर। इसके बाद ये बाद आर जो है, आर जो है आर आर काउंटिंग काउंटिंग बढ़ाने के बढ़ाने लिए के किया है। लिए, हाँ क्योंकि नंबर काउंटिंग नहीं इसलिए आर हो गया। जैसे हमने आर डॉट वैल्यू किया ऐसे हम यूज करेंगे डिफाइन, क्योंकि वर्कशीट है ना इसलिए, ठीक है। ओके 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 तो मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है या ओके और सीखेंगे आगे? नहीं सर, नहीं सर काफी है। काम